नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इंडिया को काफी बुरी तरीके से हराया, तो उस हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उन बदलावों के बारे में भी बात करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइफ को सब्सक्राइब करें और वीडियो में सारी जानकारी डिटेल में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करे, तो नीचे से वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 21 फरवरी से पहला टेस्ट मैच खेला गया था और इस टेस्ट मैच में इंडिया को काफी करारी हार मिली। टेस्ट मैच में इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 165 रन बनाए, उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में काफी शानदार तरीके से खेलते हुए 348 रन बनाए, उसके बाद इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग में केवल 191 रन बनाए और अब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए मात्र 9 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड ने बिना किसी विकेट के गवाए वो 9 रन बना लिए और 10 विकेट से इस मैच को जीत लिया। फर्स्ट टेस्ट में इंडिया के बॉलर्स ने तो बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन वही बैट्समैन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। तो अब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 29 फरवरी से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये टेस्ट मैच क्राइस्ट चर्च में होने वाला है और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे से ये मैच शुरू होगा। अब बात करें कि कौन कौन से बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, तो पहला बदलाव तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पृथ्वी शो का इस टेस्ट में इतना शानदार प्रदर्शन नहीं रहा, तो उनकी जगह पर शुभमन गिल को चांस मिल सकता है। वहीं हनुमा विहारी की जगह पर भी रविंद्र जडेजा को टीम में जगह मिलने वाली है। तीसरा बदलाव ऋषभ पंत को लेकर हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट में ऋषभ पंत का बल्ले से इतना शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, हालांकि कीपिंग इन्होंने काफी बेहतरीन करी थी, तो इनकी जगह पर हो सकता है कि रिद्धिमान साहब को अवसर मिले। तो ये है कुछ बड़े बदलाव। अब बात करें प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में होने वाले ओपनिंग करते हुए मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर उतरने वाले चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, इनका प्रदर्शन भी इतना शानदार नहीं देखने को मिला था। उसके बाद नंबर 5 पर होने वाले अजिंक्य रहाणे, ये भी एवरेज रहे थे, इतना जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर पाए थे। नंबर 6 पर रिद्धिमान साहा, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा, नंबर 10 पर एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, नंबर 11 पर होने वाले जसप्रीत बुमराह भी पहले टेस्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, तो आशा करेंगे कि ये अगले टेस्ट में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करें। और विराट कोहली ने भी यही कहा है कि हमारे बैट्समैन जो टेस्ट हुआ उसको भूलकर अगले टेस्ट पर फोकस करें। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया अगला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।